हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है तो हम अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताना चाहते हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज को मिल रही है। रिया ने ईडी को बताया है कि सुशांत की मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी, मैं उसे संभाल नहीं पा रही थी, मैंने उसे कहा था कि तुम अपने परिवार के पास चले जाओ, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, जब उसकी बहन साथ रहने आई तब मैं सुशांत के घर से वापस अपने घर गई। तो शोभना, ये जो खबर आ रही है, अब कम से कम रिया की तरफ से पहली बार इस तरीके का वक्तव्य आया, क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया, तो उसका उन्होंने खंडन मंडन कर दिया है यहां पर। तो गणेश, रिया की बात में कितना दम है, क्योंकि लगातार आप इस केस को जिस तरीके से फॉलो कर रहे थे, आरोप तो ये लगातार लग रहे थे कि रिया ने ही सबसे, दोस्तों से, परिवार से, उनके परिजनों से सबसे दूर कर दिया था। अब वो कह रही कि मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी और उन्होंने कहा था किसी से संपर्क नहीं किया था, इसकी जरूरत उन्होंने नहीं समझी कि मानसिक स्थिति किसी की खराब हो रही है तो उसको उसके परिजनों के पास, उसके दोस्तों के पास ले जाए, छोड़ दिया। जी देखिए, आपने डिफेंस में ये बातें हो रही और ईडी के सामने भी उन्होंने इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की, और सिर्फ सुशांत नहीं तो सुशांत को संभालते संभालते वो खुद डिप्रेशन में चली गई थी, खुद ट्रीटमेंट करा रही थी ब्रीफ पीरियड के लिए, ऐसा भी क्या है। अब कुछ और अहम खुलासे भी हुए हैं जिसको मैं काउंटर भी करूंगा। ईडी जो इसमें पूछताछ में की है, ईडी के मुताबिक जब उनको उनके यूरोप टूर जो 45 लाख रुपए सुशांत के अकाउंट से गए थे उस बारे में पूछा गया तो धीरे धीरे उन्होंने जानकारी देना शुरू किया। पहले बताया कि ईडी टूर के जो टिकट्स थे वो उन्होंने, उनकी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पैसे आए थे उसके जरिए लिए थे, कंपनी ने बुक किए थे और बाकी का खर्च सुशांत ने किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस टूर के बाद से ही वो बीमार होने लग गए थे या डिप्रेशन में चले गए थे। फ्रांसिस्को गोया की एक तस्वीर फ्लोरेंस के एक होटल में, हेरिटेज होटल में उन्होंने देखी थी, सैटर्न डिवोरिंग सन। तो ये तस्वीर देखने के बाद उसके जो कैरेक्टर थे उस कैरेक्टर में वो खुद को देखने लगे। उस समय उन्होंने रुद्राक्ष लेकर जो है माला जपना शुरू किया, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए और उसके बाद जब वो मुंबई आए तो उनकी हालत खराब होने लगी। रिया ने ये भी कहा गणेश, मैं आऊंगी आपके पास गणेश।